कॉलेज कहाँ पे? मेडिकल कॉलेज लगभग लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, दो चार सभी जिलों में कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सभी जिलों में है मेडिकल कॉलेज। ये बताइए कि कब से है मेडिकल कॉलेज सभी से? भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। सही बात, अच्छा सरकार में बनना स्टार्ट। अरे फिर वही बात, देखिए कोई सरकार जो है कोई भी काम करती है, अखिलेश एक ऐसी सरकार थी, अखिलेश हमारे मुख्यमंत्री जो पूर्व थे, कि उन्होंने एक्सप्रेसवे बनवाया अपने ही काल में बना दिया, और आपका मेट्रो जो लखनऊ में दौड़ाया अपने ही समय में बना दिया, लेकिन बनाते बनाते जो है उनकी सरकार चली गई। हो सकता है कि उन्हीं के कार्यकाल का ये सब काम हो रहा है जो आज भाजपा में आप गिना रहे हैं। सही बात है, जो कार्यकाल जितना भी काम हुआ है की बात मैं बता रहा हूँ, इनको नहीं मालूम है 2014 का जब लोकसभा चुनाव मनोज सिन्हा जी जीते तो गाजीपुर में दो चीज लाए, एक मेडिकल कॉलेज और एक स्टेडियम। स्टेडियम हालांकि नहीं बन पाया, जब 2019 का चुनाव वो हार गए, स्टेडियम नहीं बन पाया, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज है यह अखिलेश यादव जी भी नहीं कह सकते कि एक प्रोजेक्ट हमारे कार्यकाल का है। किसका कार्यकाल का भाई? यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का है कि उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा था कि मैं हर जनपद में मेडिकल कॉलेज दूंगा, और लगभग हमको लग रहा है 7-8 जिला छोड़ करके उत्तर प्रदेश का बाकी हर जनपद में मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी देने का ही काम किया है। आजमगढ़ में अब जा कर के एक साल पहले वहाँ पे मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ है, तो ये अखिलेश यादव जी का प्रोजेक्ट नहीं। सही बात है। एक बात बताइए, जो लोकार्पण हुआ है उसको बन करके तैयार देखेंगे? अरे क्या बन रहा है भाई, अभी हमको एक मेट्रो बनते हुए दिखाइए, एक एक्सप्रेसवे बन करके क्लियर दिखाइए, पहली बात सुन लीजिए। दूसरी बात, जहाँ बैठे हैं दुल्लापुर के धरती पर, ये मनोज सिन्हा जी का गोद लिया हुआ गाँव है, इसमें एक उनका नाली और एक खड़ंजा बता दीजिए कि कहीं लगा। सही बात है, हाँ याद दिलाए, ये मनोज सिन्हा जी का जो है कि गोद लिया गाँव है, बताइए कितना विकास हुआ। हम बता रहे हैं, आप बता रहे हैं अभी याद आया? हाँ याद नहीं आया मुझे, पहले याद है। बताइए, आप बता दीजिए जी। भैया हमको तो बेरोजगारी बात करना है और बच्चों के लिए नौकरियों के बारे में। चलिए दुल्लापुर की बात करते हैं, उसके बाद बेरोजगारी की बात करते हैं। ये दुल्लापुर जो है मनोज सिन्हा जी का गोद लिया हुआ गाँव है, क्या लगता है की कहाँ तक विकास हो किया है? सही बात, हम बता रहे हैं दुल्लापुर को सबसे पहले सिन्हा जी ने गोद लिया था, और किसी भी पार्टी के नेताओं में इतना दम उस समय नहीं था। यह गोद लिया हुआ गांव था, सही बात। विकास बता दीजिए, विकास नहीं हो पाया। जो गोद लेने का बात थी कि गोद लिया हुआ गांव में जो विकास की बात होती है, वो सिन्हा जी ने टालते टालते तीन चार बार उस विकास कार्य को लोग टाल दिए। ये तो वही बात होगी कि बच्चा पैदा हो गया उसके बाद उसे तो छोड़ दीजिए नंगा घूमते। इसके बगल में देवा गांव को गोद लिए, देवा गांव के निवासी है। राजू भैया व्यापारी नेता पूछे कि भाजपा का क्या योगदान है? क्या योगदान है बीजेपी का यहाँ पे? यहाँ पर योगदान है, जैसे कहा गया है कि हमारे देश की स्थिति क्या थी, इन नेताओं ने क्या बना दिया। पहला तो समस्या ये है कि पहले लोग कहते थे कि यहाँ डाल डाल पर भारत के चिड़िया, सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, ये भारत देश है मेरा। और आज की स्थिति नेताओं ने क्या बना दिया कि यहाँ दफ्तर दफ्तर के अंदर में डाकू डाले डेरा, ये भारत देश है मेरा। यहाँ कुर्सी कुर्सी के ऊपर में बैठा मिले लुटेरा, ये भारत देश है मेरा। ये किसकी देन है? ये भाजपा की देन है। जो हरिश्चंद्र 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 कहता है वो सबसे बड़ा बेईमान। इसका रोड बनाया हुआ बह गया, रोड फट गई, टैक्स फट गई, देखिए जाकर के बनारस से गोरखपुर का हाईवे बना हुआ है, हर जगह चिप्पी, हर जगह जोड़, टैक्स दुन्ना आए, तो किसका सरकार बढ़िया कहे? सब एक कहे कला पंच तत्व के सब ही भाड़े तक के है, शूद्र के है, पाड़े सब लुटेरे हैं। यहाँ पर नेता सिर्फ एक था जिसका इरादा नेक था, वो सुभाष चंद्र बोस था। सही बात है,
भाई यह तो हम बता रहे हैं ना। देखिए ये लोग अब ये नाम के लिए कोई भी कार्य करते हैं, खाली दिखावा के लिए, देखने में जो कुछ भी हो लोग ये जाने कि नहीं ये काम हो रहा है, होकर चाहे मत होकर उससे मतलब नहीं है। ये बीजेपी के लोगों का सिस्टम यही है कि हल्ला करो ज्यादा, शोर मचाओ ज्यादा, काम करो कम। अब देखिये इस बात को जो है की हम चाची से पूछते हैं, कहा चाची सही बात है भैया की विकास भल है सरकार में कि ना का है ना विकास में का विकास वाला। अरे बहुत विकास में ना ये लोग तो कहत हो कुल जने मिल के कि विकास है ना वो लोग से पूछा का है ना भाई ला। अच्छा का विकास वाला थोड़ा सा कुछ आप बता दे। अब हम बताए कि हम तो इतना घर से बाहर तक दिख के गैस महंगा भला है गैस महंगा भला गैस फ्री मिला अभी। हां अब जो ना कि इसमें कैसे भराल जाता महंगा है चाहे सस्ता उतर एक तो नियम कानून अपन जगह पर है जे गरीब लोग के फ्री मिलल है तमा नहीं के पड़ी मोदी जी के। चलिए चाची का कहना है कि गैस फ्री मिला है। अच्छा भाई गैस इसमें कितने लोग का फ्री मिला है थोड़ा अपना हाथ उठा दे जिनको फ्री मिला है। मिला है गैस फ्री नहीं मिला है नहीं भैया भैया चाची को मिला। आइए हम बताएं लोगों को गैस नहीं फ्री मिलेगा सिलेंडर मिलेगा। हाँ खाना नहीं मिलेगा थाली मिलेगी। हाँ बस कि भाषण की हरिया चढ़ी आश्वासन की खीर और जनता खाली चाटेगी कभी न मिटेगी पीर। देखिए सरकार किसी की भी आई महंगाई जो आज की स्थिति का है बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जैसे उदाहरण पर लीजिए पहले के सरकार में आज के 10 साल पहले 500 का सिलेंडर था आज हो गया 1200। मोदी जी ने कहा कि हम राशन 5 किलो देते हैं तो कहना कि हम दो हमारे दो राशन कितना हुआ 20 किलो राशन का दाम कितना है 20 रुपया किलो तो कितने का मिला फायदा है आपको फ्री का 400 का और 500 का 1200 तो 549 300 रुपया सरकार ने लूट लिया जनता से और इसके बाद कह दिया कि हम तो फ्री में खिला रहे हैं। फ्री में कौन खिला यहाँ पर जिसको खिलाना है उसको कोई नहीं खिला रहा यहाँ पर जितने लुटेरे हैं कहीं भी दफ्तर हो कोई भी मतलब योगी हो चाहे मोदी हो यहाँ पर राम आय सुधारने के लिए देश नहीं सुधरा किसरा आय सुधारने के लिए नहीं सुधरा लोगों ने उनको ही सुधार दिया लोगों ने उनके ही सुधार दिया। यहाँ पर प्रधान जी चोरी करते हैं आ इनका दादा बैठा हुआ वीडियो उसको 20% कमीशन चाहिए जेई को चाहिए मंत्री को चाहिए संतरी को चाहिए तो प्रधान जी क्या करेंगे अपने घर से देंगे। वह अगर सही काम करेंगे तो भी कमीशन चाहिए और नहीं करेंगे तो भी कमीशन चाहिए। तो कुर्सी रिश्वत खोरों की तो कौन सुने कमजोरों की कुर्सी रिश्वत को बीजेपी कहती है कि हमारे में जितने भी गुंडे थे और रिश्वत खोर थे सभी लोग चले गए। दल की बात है सभी दल चोर हैं और सब में चोर जा रहे हैं इसमें से चोर निकला उसमें और उसमें से चोर निकला उसमें हमारे में आ जाओ तो हरिचंद इसे दूध में से पानी निकला है तो क्या हो गया बेकार हो गया पानी दूध में मिला लिया हमारे भाव बिक जाओगे। बस यही ओम प्रकाश राजभर है एक भी दल नहीं छोड़ा ये सबको भाड़ा जा करके अब फिर इसके बाद आ गया अपने जब फिर वही बात। ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या कहेंगे। ओम प्रकाश राजभर इन्होंने सही बात कहा कि वो किसी भी दल में एक बात नहीं रहे एक पद पे वो नहीं रहे किसी भी दल में इसको मैं भी मानता हूँ और वो कब कहाँ चले जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम तो ये भी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद एक किसी और दल को पकड़ लें ये भी मैं जानता हूँ तो उन पर पकड़ लेंगे सही बात है पकड़ लेंगे भाविक है जिसको तो बदलने की पार्टी के लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जो थे जो है वो जो है कि अब जो है कि बदल लेंगे विधानसभा चुनाव में फिर पार्टी के सदस्य नहीं है ठीक जो आप कह रहे थे। हम जो कह रहे थे कि पक्ष और विपक्ष की बात जो है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जो उनका जो मुद्दा है और जो भारतीय जनता पार्टी हमको पसंद है जरूर मैं किसी पद पे नहीं हूँ न मैं सदस्य हूँ उनका मुद्दा जो है जो भी है भाई साहब कहें कि दुल्लापुर में एक नाली खड़न जाए यह हकीकत है। उन सिन्हा जी का विरोध मैंने किया था ये भी सत्य है 2013 आप मानते हैं कि बीजेपी कार्य नहीं करवाई रुकिए नहीं कैसे मैं मान लूँ। फिर उसके बाद हमारे देमा गाँव को गोद लिए वो हमारा गाँव है हमारे गांव में जाइए सिन्हा जी ने काम किया है गली गली आरसीसी करवाया ठीक ना गली गली। चाची कुछ कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कहते हैं भैया कि 1200 रुपया गैस कहले माने गरीबन के कौन चीज का छूट देते हम लोग
गरीब कैले आपको अथी फ्री में मिला था मिलला गैस सिलेंडर फ्री में गैस सिलेंडर मिलला सिलेंडर फ्री में ना मिलल जन वो बा वो गैस वा के 1200 रुपया गैस कैले बाने भले ना गरीब आदमी भराई सिलेंडर बा महंगा बा तो सबकी खत्म अच्छा महंगा बा ओसे पहले महंगा ना रहे चाची ना ओसे महंगा कहां रहे पहले 400 600 ना रहे तो 400 को अति महंगा तू कह तू की फ्री में मिला था फ्री में का उ तो सिलेंडर बा देके तब तो कसरिया काढ़ी ले ना 1200 रुपया भरावा थो जके ना रहे खूब ना खाई चलिए और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते क्या लगता है 2024 में का? 24 में कौन आएगी क्या अच्छा कौन 2024 में क्या आई भाजपा आएगी भाई कहाँ है उसका काम इतना सबको कौन सा काम हुआ अरे देश विदेश में डंका बोला भारत का भी कम है इतना दुल्लापुर की हम बात करें तो दुल्लापुर को जो है कि गोद लिए थे हम मनोज सिन्हा जी यानी बीजेपी पार्टी के हैं तो क्या काम करवाए हैं कुछ अब काम तो स्टेशन पे दिखाई दे रहा है स्टेशन पे बस और कहीं नहीं आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है चलिए दोस्तों आज का जो है कि चुनावी चर्चा हमने किया और ओपिनियन क्या है लोगों का और जो आप लोगों ने जाना और आपका भी क्या ओपिनियन है आप लोग भी बताइएगा और 2024 के चुनाव में हर एक लोकसभा में जाएंगे हम लोग और पता करेंगे और बताएंगे भी आपको और आप भी बने रहिए हमारे वीडियो में और कमेंट हर वीडियो पे करिए ताकि आप लगे कि आखिरकार 2024 में किसकी सरकार आएगी बहुत बहुत धन्यवाद।